हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपको डबल लूप यानी कि नेस्टेड लूप के हिसाब से या नेस्टेड लूप की हेल्प से प्रिंट स्टार्स को प्रिंट करवाना बता रहे हैं। जैसे कि आप हमारा जो आउटपुट आपके स्क्रीन के सामने ऑलरेडी विजिबल हो रहा है, जहाँ मैं अपने ऑलरेडी नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट यूज़ करा हुआ है, जिसकी हेल्प से हम एक्स को प्रिंट करवा रहे थे पैटर्न में। तो यही हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि अगर आप किसी पैटर्न को डबल लूप यानी कि नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट करवाना चाहे तो आप उसकी हेल्प से भी प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर आप उसको सिंगल फॉर लूप में भी प्रिंट करवाना चाहे तो आप हमारी लास्ट वाली वीडियोस है तो आप उस वीडियोस को देखकर आप सिंगल फॉर लूप से भी उन स्टार्स को प्रिंट करवा सकते हैं। बट अगर आप सिंगल फॉर लूप में इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है लूपिंग के लिए उसको टाइप कास्टिंग की हेल्प से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट अगर आप नेस्टेड फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट नहीं यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी अगर हम देखते हैं कि हमारा जो वर्किंग कैसे चल रहा है, मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया एक्स और उसको रेंज प्रोवाइड कर दिया 1.5, यानी कि 1 से लेके 4 तक वो काम करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है वाई, जो अगेन फॉर लूप के लिए काम कर रहा है और उसको हमने रेंज पास कर दी 1.x। एक्स का मतलब है सबसे पहले एक्स का वैल्यू आएगा 1, यानी कि हमारा जो स्टार है वो 1 टाइम प्रिंट होएगा। उसके बाद अगर दोबारा लूप चलता है तो एक्स का वैल्यू आएगा 2, तो यानी कि हमारा स्टार्स 2 बार प्रिंट हो जाएंगे, और ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा अप टू 4 तक। और अब यहाँ पे हमको टैप 2 बार करना पड़ेगा ताकि हमको हमारी वैल्यूज का पता चल जाए कि जो हम प्रिंट लगा रहे हैं वो इनर लूप का प्रिंट है, ना कि आउटर लूप का। और अब उसके बाद हमने एक कॉमा डाल दिया ताकि हमको लग जाए कि पहले जब ये सारा लूप चल जाए तब उसके बाद एक टैप कर देते हैं। और न्यू लाइन के लिए हमने यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए और क्लोज भी कर दिए। और अब अगर हम एंटर करते हैं तो आप देखोगे कि हमारा जो आउटपुट है वो स्टार्स के पैटर्न में प्रिंट हो रहा है, जैसे कि सबसे पहले 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू था उसी के अकॉर्डिंग सारा काम चल रहा था। तो ये हमारा वीडियो है जिसमें अब नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से किसी स्टार्स को प्रिंट करवाने का पैटर्न बना सकते हो। और अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप यही कोड अपने PC और कंप्यूटर पे लिख के उसको टेस्टिंग करके देख सकते हो कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं।